आईपीएल की शुरुआत होने से क्रिकेट फैंस बेहद खुश हैं। रोज हम किसी न किसी टीम का मुकाबला होते देख रहे हैं। हालांकि साथ ही खराब परफॉर्मेंस के कारण कई खिलाड़ियों को ट्रोल भी किया जा रहा है। इसी के चलते गुरुवार का दिन विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के लिए अच्छा नहीं रहा। विराट की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच किंग्स इलेवन पंजाब के साथ हुआ और इस मैच के दौरान कोहली से दो कैच छूट गए। ऐसे में फैंस काफी नाराज थे और वहीं ट्रोल्स ने भी उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोहली की ढीली परफॉर्मेंस को देखते हुए कमेंटेटर और पूर्व खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने अनुष्का शर्मा को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर अब अनुष्का के फैंस भड़क गए और अब अनुष्का का भी इसे लेकर रिएक्शन सामने आया है। इस बारे में अनुष्का शर्मा ने भी इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट लिखकर सुनील गावस्कर से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा, आप मिस्टर गावस्कर, आपका कमेंट काफी खराब था और मैं जानना चाहूंगी कि आपने ऐसा क्यों कहा। मुझे पता है आपके मन में और भी अलग बातें कहने को होंगी, तो आपने इसी को क्यों चुना। आप लोगों की इज्जत करते हैं लेकिन मेरे लिए वो क्यों नहीं है। साल 2020 आ गया और फिर भी मुझे वही देखने को मिल रहा है जो मेरे साथ पहले हो चुका है, ऐसा क्यों है। बता दें कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के फैंस इस जोड़ी को ट्रोल करने वालों और अन्य लोगों से विराट कोहली के खराब परफॉर्मेंस का ठीकरा अनुष्का के सर पर ना फोड़ने को लेकर कह रहे हैं। कई फैंस का कहना है कि सुनील गावस्कर की बात बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और उन्हें बीसीसीआई से हटाने की भी बात हो रही है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।